ये देखिए इसका इंजन मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक्सक्लूसिव, चंडीगढ़ में कल ही आई है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वीकेंड। और अभी आज मैं आया था इलांटे मॉल, यस चंडीगढ़ के इलांटे मॉल जहाँ पे लगा है ऑटो एक्सपो। आप वीडियोस को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एंड तक जुड़े रहिए। तो फिलहाल मैं आपके लिए इस वीडियो में स्पेसिफिकली लेकर के आया हूँ जीप मेरिडियन, यस। तो जैसा आप देख पा रहे हो जीप मेरिडियन, तो अभी शुरू करते हैं फटाफट से। मैं आपको दिखाता हूँ एक्सक्लूसिव, चंडीगढ़ में कल ही आई है जीप मेरिडियन और बहुत शानदार लग रही है, मेरे सामने खड़ी है। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो खड़ा है ये है बेसिकली लिमिटेड एडिशन मॉडल, और जीप मेरिडियन जैसा आप देख पा रहे हैं बहुत ही क्लासी लग रही है, बहुत ही शानदार। अगर मैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करता हूँ तो मैं आपको दिखा भी देता हूं कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आपको मिलती हैं। अभी मैं आपको बताता हूं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। तो जीप मेरिडियन जो आती है वो आती है हमारी 1956 सीसी इंजन में, जिसमें आपको मिलता है 4 सिलेंडर, और ये प्रोड्यूस करती है 170 हॉर्स पावर एट द रेट ऑफ 3750 RPM। प्लस इसमें हमें मिलता है 350 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 1750 RPM पे, और इसमें हमें 6-speed गियरबॉक्स मिलता है, MT गियरबॉक्स, और इसमें हमें 9-speed गियरबॉक्स भी मिलता है। अब अगर बात करते हैं इसकी डाइमेंशंस की, तो इसकी लेंथ है 4769 mm, और अगर विड्थ की बात करते हैं तो इसकी विड्थ आती है 1859 mm। अब अगर इसकी हाइट की बात करें टोटल, तो ये काफ़ी अच्छी हाइट इसकी दी है, हाइट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी अच्छी लग रही है। तो इसकी हाइट आती है 1698 mm की। तो व्हील बेस अगर देखें इसका 2782 mm का व्हील बेस है, और अगर हम देखते हैं इसका बूट स्पेस, यस इसका बूट स्पेस है 170 liters। तो एक बार चेक करते हैं, ये देखिए इसको भी जरा ओपन कर दो, पीछे कर दो उसको, हाँ अच्छा ऐसे भी हो जाती है ये, वाह। फिर तो आगे जो बंदा बैठा उसका कंफर्ट भी अलग हो गया, आगे से देखने में डिफरेंट था बट अभी यहाँ से देख रहे हैं तो इट्स डिसेंट। यहाँ पे आपका टूल किट आ गई, और यहाँ पे कुछ ये एक्स्ट्रा बॉक्स आपको मिलता है कुछ सामान रखने के लिए, बाकी सर एक ओपनिंग के लिए यहाँ दी हुई है, ये क्लोज करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए छोटे बच्चों के लिए, अच्छा हाथ में पहुँचते यहाँ से बंद कर सकते हैं, अच्छा अच्छा एक सर यहाँ पे दिया हुआ है, ओके इससे हम वो कर सकते हैं, एक स्टीयरिंग के, अच्छा और एक की में चार जगह ऑपरेट कर सकते हैं इसको, ओपन भी और क्लोज भी, ठीक है। सर हम जैसे यहाँ पे करेंगे बच्चों के लिए, हाँ बस ये अपने आप ऑटोमेटिक, अच्छा इंटीरियर अगर आप देखेंगे तो ये आती है आपकी पावर विंडोज, सारे कंसोल आपको इसके डोर पे ही मिल जाते हैं, और यहाँ इसमें स्पीकर दिए हुए हैं जिसपे एल्पाइन, यस एल्पाइन साउंड सिस्टम इस पर लिखा हुआ है, और काफ़ी लग्जूरियस लगती है अंदर से। तो एक बार अंदर चल के देखते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर के लुक्स की बात करता हूँ, इट इज़ वेरी सटल, बहुत ही सटल लुक के साथ ही हमें मिल रही है, और आप देख सकते हैं इसका स्टेयरिंग व्हील जीप इस पे लिखा है, और अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छी सेंटर में आपको LED स्क्रीन मिलती है, जिसके आपके वेरियस फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, मोड्स भी आपको इसमें मिलते हैं, और अगर आप देखेंगे बाकी के सारे कंसोल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसमें आपको टाइप सी एंड USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाते हैं, प्लस आपको ये स्पेस मिलता है वायरलेस चार्जिंग के लिए, यहाँ पे से आप इसको ड्राइव मोड में लेके जा सकते हैं। सो कैबिन स्पेस इज़ रियली गुड, दिस इज़ लुकिंग रियली ऑसम गाइज, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। आप इधर का भी डोर देख सकते हैं, और सीट्स आप देखिए, मतलब अगर मैं सीट्स की बात करता हूँ तो मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वालिटी इट इज़, इट कम्स विद दीज लेदराइट सीट्स एंड लिटरली आई लव इट, मतलब लुक एट द वर्क,
कितने अच्छे से कितने शानदार तरीके से ये सारा काम किया हुआ है। लुक एट द स्टिचेस, आपको कुछ कराने की ज़रूरत ही नहीं है, लुक एट इट। और अभी इसका और अच्छा आपको एक और पार्ट दिखाता हूँ, इसका रूफ। तो अगर आप देखेंगे, इट कम्स विद अ ह्यूज सनरूफ, यस डबल सनरूफ इसमें है एंड इट इज ह्यूज, रियली ऑसम गाइज, रियली ऑसम। ये देखते हैं यहाँ पे स्पेस जो आपको मिलता है स्टोरेज का, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है यहाँ पे। और ये आप देखिए, मतलब कितना अच्छा काम किया हुआ है, इट इज़ प्रीमियम फिनिशिंग, रियली रियली प्रीमियम। और आप यहाँ पे भी अगर देखेंगे, यहाँ पे भी अगर आप ये देखते हैं इसके डैशबोर्ड को, तो पूरा लेदराइट और प्रीमियम फिनिश के साथ आपको मिलता है ये, दिस इज़ रियली ऑसम। एसी वेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, देन फिर आपका ये स्पीडोमीटर है, मैं चेक करता हूँ अगर इसकी की या फिर ये हम एक बार ऑन करके अगर देख सकते हैं, इट विल बी रियली नाइस। यहाँ पे आपको हैंड रेस्ट मिलता है, हैंड रेस्ट में भी आपको स्पेस मिल जाता है, अच्छा खासा स्पेस है, बहुत डीप, इट इज़ अ डीप स्पेस एंड इट इज़ लॉक्ड एज वेल, ये आता है लॉक के साथ, तो आप इसको बंद कीजिएगा ये लॉक हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको स्पेस मिलता है। इसका इंजन मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, बोला इनको कि एक बार ज़रा इसको बोनट ओपन करके आप हमें दिखाओ। हियर वी गो, ये देखिए, लुक एट इट, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। और इसमें हमें मिलता है जीप टर्बो डीजल, ये डीजल मशीन खड़ी है यहाँ पे। This is really awesome. अब मैं आपको अंदर से पीछे से भी दिखाता हूँ इसमें, तो आप अगर पीछे से देखेंगे, पीछे भी आप देखिए, इट इज़ वेरी लग्जूरियस। इसकी सीट अगेन पीछे भी आपको सेम फिनिश में मिलती है और बीच में आपको स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे एसी वेंट दिया हुआ है, यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है और नीचे में चार्जिंग पोर्ट भी एक आपको अलग से मिल जाता है। और यहाँ पे भी बेसिकली इन्होंने एक स्क्रीन दी है, आई एम नॉट श्योर ये एडिशनल है या फिर इसके साथ ही आपको मिलेगी। और अभी अगर इसके भी पीछे देखें, तो ये 7 सीटर है एंड लुक एट दिस गाइस, इसको एक बार बंद करते हैं, तो ये मैं दिखाता हूँ बेसिकली, अगर आपको पीछे जाना है आप इसको डाउन कीजिए एंड लुक एट दिस, इट गोज अप ऑटोमेटिकली, अपने आप ऊपर चली जाती है, आपको कोई हसल नहीं है, पीछे की सीट पर आप जाके बैठ सकते हैं ईजीली। एक बार देखते हैं अगर पीछे, तो पीछे की सीट का स्पेस जो है कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं, तो अब जैसे मैं इधर पीछे बैठा हूं, तो पीछे लैग स्पेस थोड़ा सा तो टाइट है, आई मीन स्पेस में थोड़ी सी तो दिक्कत है, बट वैसे देखा जाए ओवरऑल अच्छा है। अगर मैं आपको फुट्स दिखाता हूं, जैसे अगर मैं अपने ये पैरों की साइड दिखा रहा हूं, तो ये काफ़ी ज़्यादा नीज बेंड करनी पड़ जाती हैं, इस तरीके से ये है, उतना ज़्यादा कम्फर्ट नहीं है बट प्रिटी डिसेंट। अगर हाइट देखेंगे, हाइट इज़ ऑल्सो नॉट टू मच बट डिसेंट आई कैन से। एसी वेंट यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ऊपर ही मिलता है। और यहाँ की अगर सीट्स में देखता हूँ, तो फिनिश थोड़ी सी तो डिफरेंट है, उतनी अच्छी प्रीमियम फिनिश नहीं है। तो अगर आप इसको पीछे से ओपन करेंगे, उतना बूट स्पेस आपको मिलता है, बट यस, आप ये दोनों सीट डाउन करके बूट स्पेस बढ़ा सकते हैं एंड इट इज़ ह्यूज। पीछे आपको स्पेस मिलता है यहाँ पे बॉटल्स वगैरह रखने का। और गाइस, अभी अगर मैं बात करता हूँ इसकी स्पीड की, तो इसकी बेसिकली टॉप स्पीड जो कंपनी क्लेम करती है वो है 198 किलोमीटर, और ये 0 to 100 मात्र 10.8 सेकंड में रीच कर सकती है, इतनी कैपेबल ये गाड़ी है। और अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, तो इट कम्स विद 203 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिलता है, प्लस फ्यूल टैंक इसका 60 liters का मिलता है। तो इस गाड़ी का जो वेट है, वो वेट आपको मिलता है 1798 किलोग्राम्स। तो गाइज, अगर मैं इसके प्राइस की बात करता हूँ, तो इसका प्राइस शुरू होता है 29.90 lakhs से, जो कि जाता है टॉप मॉडल में 36.95 lakhs तक, और ये आपको 4x4 में भी मिलती है। तो अल्टीमेटली दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, प्राइस सेगमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं दूसरी गाड़ियों से और जस्टिफाई आप कर सकते हैं कि वेदर यू नीड टू गो फॉर जीप, बट अगेन जीप है, दिस इज़ अ फाइनेस्ट ऑप्शन। तो ये थी बेसिकली जीप की मेरिडियन, जो अभी रिसेंट आई है मार्केट में, और ये चंडीगढ़ में कल ही लॉन्च हुई है,
तो मैंने सोचा कि इसको भी कवर करना चाहिए एंड दिस इज़ वेरी स्पेशियस। हालांकि पीछे के स्पेस से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि बहुत कम स्पेस है। पीछे की सीट की क्वालिटी की भी अगर आप बात करेंगे तो वो भी उतनी अच्छी उतनी प्रीमियम नहीं है, बट दैट्स ओके। और बूट स्पेस भी कंपैरेटिवली देखा जाए तो थोड़ा सा कम है। पर हाँ, अगर मैं बात करता हूँ कंपैरिजन की, तो आई थिंक अगर आप जीप कंपास ले रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। इट इज़ इवन बेटर दैन जीप कंपास। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप जीप मेरिडियन के बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन है अगर आपका, कोई क्वेरी है तो वो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आपके लिए मोर इन्फॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, मोर ऑटोमोबाइल्स, ट्रैवल और डिफरेंट स्टेप्स के वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन पर कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल द टाइम एन्जॉय द राइड। बाय बाय।